हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीम स्कॉर्पियन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कन्वर्जन के बारे में, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में, और हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग किसी भी कोई भी डेटा को हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी डी, और उसके बाद डेसिमल नंबर 0 से 9 तक होते हैं। चलिए आज हम लोग कन्वर्जन पढ़ते हैं, और कन्वर्जन आपको पढ़ाएंगे शिव सर। सर प्लीज प्रोसीड। गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में, ठीक है, आज हम लोग पहले बात करने वाले हैं। पहले डेसिमल नंबर सबको पता होता है, 0 to 9 इसका रेंज होता है, ठीक है, और डेसिमल का 16 से 16 तक का रेंज होता है, 0 to 16, जिसमें अगर 10 नंबर को अगर रिप्रेजेंट किया जाए, 9 तक तो ऐसा होता है, बट 10 नंबर को ए एंड 11 को बी, समथिंग लाइक दैट। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में कुछ क्वेश्चन पड़े हुए हैं, यहाँ पर देखिए 23 है, 921 है, 188 और 590 है। वन बाय वन सबको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि कैसे कन्वर्जन होगा। ठीक है, सबसे पहले 23 को ले लेते हैं। अब ऑब्वियस है यार कि हेक्साडेसिमल नंबर है, तो हेक्साडेसिमल मींस होता है हेक्स, मतलब बताया गया होगा कि 6, और डेक मतलब 10 होता है, मतलब ओवरऑल जो प्रोसीजर होगा 16 रेंज पर होगा। ठीक है, बाइनरी में होता था कि 2 से डिवाइड करते थे, यहाँ पर सेम प्रोसीजर है, ठीक है, 16 से डिवाइड होगा। चलिए 16 से डिवाइड करेंगे, 23 हमारे पास में नंबर है डेसिमल, ठीक है, 16 से डिवाइड कर रहे हैं, 16 बन जाओ 16, बचेगा कितना 7। ठीक, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो भी नंबर बचता है क्यूसेंट में, ठीक है, ये हमारा नंबर नेक्स्ट टाइम में डिवीजन के लिए काम होगा, और जो नंबर यहाँ पर बचता है रिमाइंडर में उसको ऐसा लिख लेंगे। ठीक, 7 हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर को लिख लेंगे। अब 1 बचा हुआ है, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, 1 को फिर से 16 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, इसलिए नंबर 1 फिर से जाएगा रिमाइंडर में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 1 और 7, लास्ट वाला डिजिट 1 आया है, और उसके पहले जो आया था वो 7 आया है। अब बॉटम टू टॉप अप्रोच होगा, और फाइनली जो रिजल्ट हो जाएगा वो है 17, दिस विल बी द हेक्साडेसिमल नंबर ऑफ द 23। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है 921, 921 को हमको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। चलिए शुरू करते हैं, 16 से डिवाइड करेंगे, ऑब्वियस यार 5 10 जाएगा, ठीक, 2 1 12 आया है, ठीक, 1 to 1 हो गया, कितनी टाइम जाएगा, आई थिंक 7 10, ठीक है, फिर से ठीक 9 बचा है। अब ध्यान से देखिए, 57 बचा हुआ है, ठीक, 57 हमारे क्या है, क्यूसेंट है, और 9 क्या है, रिमाइंडर है। पिछले वाले एग्जांपल में हम लोगों ने क्या कहा था कि रिमाइंडर को हमको लिखना है, चलिए रिमाइंडर को लिख लिया, और क्वेश्चन को क्या करना है, फर्दर हमारा डिवाइड करने के लिए काम आएगा। तो ठीक है, 9 को हमने क्या किया, लिख लिया है, और 57 को फिर से डिवाइड करने के लिए रख लिए, और फिर से वही प्रोसीजर 16 से डिवाइड करेंगे, कितनी टाइम जाएगा, 3 times 48, ठीक, फिर से 17 में से 8 रहेगा 9, ठीक। अब देखिए 9 क्या बचा हुआ हमारे पास में, रिमाइंडर, 9 को फिर से लिखेंगे, क्या बचा हुआ है, क्यूसेंट 3 क्या करने के लिए आएगा, फिर से डिवाइड करने के काम आएगा, किससे, 16 से। चलिए, पहला स्टेप ये था, सेकंड स्टेप ये रहा, और थर्ड स्टेप में जा रहे हैं हम लोग 3 को डिवाइड करने के लिए, किससे, 16 से। ऑब्वियस है यार कि 3 डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करेंगे, 3 को एज सच लिख लेंगे। ठीक है, फिर से वही अप्रोच है कि बॉटम टू टॉप अप्रोच। बॉटम टू टॉप अप्रोच का मतलब हुआ कि नंबर जो लिखा जाएंगे वो बॉटम से लेकर टॉप तक, मतलब 3 9 9, दिस इज द आंसर। 921 का जो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट होगा वो आएगा 399। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, 188 नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिमल नंबर 188, और इसको चेंज करना है हमको हेक्साडेसिमल में, 188 हेक्साडेसिमल में, मीन 16 से, फिर से
कितनी टाइम जाएगा, वन टाइम टू, और गेट को फिर से कॉल कराएंगे ऊपर से, ठीक है, टू टाइम जाएगा नहीं, वन टाइम ट्वेल्व बजा, ठीक है। यहां पर देखिए ये कितना लिखा हुआ है, अलेवन, और ये कितना बचा हुआ है, ट्वेल्व। अब देखिए रिमाइंडर में हमको क्या करना है, ट्वेल्व लिखना है, ठीक है, रिमाइंडर में ट्वेल्व लिख लिया, रिमाइंडर में ट्वेल्व लिख लिया, और क्वेश्चन कितना बचा है, इलेवन। तो इलेवन क्या करने के लिए आएगा, नेक्स्ट टाइम हमको डिवाइड करने के लिए काम आएगा। चलिए इलेवन को सिक्सटीन से डिवाइड करेंगे, ऑब्वियस यार डिवाइड नहीं होगा, तो इलेवन को क्या करेंगे, फिर से वापस रिमाइंडर में लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए, हमारा बॉटम टू टॉप अप्रोच होता है, मींस पहले 11 लिखा जाएगा फिर 12 लिखा जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, कभी भी हेक्साडेसिमल में 11 नंबर कुछ होता नहीं है और 12 नंबर कुछ होता नहीं है। 11 का मतलब कितना होता है भाई, ए का मतलब 10 का मतलब ए होता है, 11 का मतलब बी होता है, तो 11 की जगह पर क्या लिखेंगे, बी। और 12 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, सी, मतलब 12 की जगह पर सी, मतलब फाइनल आंसर जो होगा वो हमारा बी और सी होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छी बात है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और क्वेरी कीजिए। थैंक यू।